लोगों के माइंडसेट के अंदर ना ये चीज होती है कि पूरी चीज को नलिफाई करके फिर नई चीज बनाई जाएगी तो कल को सुकून मिल जाएगी। क्यों नहीं हम रेनोवेट करके चीजों को उन्हीं में हुसन पैदा करने की कोशिश करें जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं हमारे पास। क्या ये बड़ी इनकन्वीनियंस है इसमें, मरम्मत जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। सारे नखरे बर्दाश्त करो, सारे लूपहोल्स फिर बर्दाश्त करो, वल्नरेबिलिटीज देखो, कहीं से भी जो है वो थ्रेट्स इनकाउंटर करो। नई चीज की तामीर के अंदर एक जो है ना फैंटेसी डिफरेंट होती है। नया घर बनाएंगे, पुराने घरों की मरम्मत नहीं करता। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो सिविलाइजेशनल वॉर के अंदर हमारा मगरिब के साथ और दूसरे नजरियात के साथ जो हमारा एक तकाबुल चल रहा है उसके अंदर आपको नहीं लगता कि फिर वक्त जाया करके फिर बनाए? व्हाई डू यू वांट टू रीइन्वेंट द व्हील? फिर से पहिया बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन उसके अंदर वो इमोशनल क्रेज खत्म हो जाएगा ना, वो नई चीज मैं लेके आऊं। असल में नफ्स को अपना ना, नफ्स को अपनी बड़ाई सुननी है कि मैंने बनाया। नफ्स जो है ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता एक सिस्टम। असल में मसला है यही सारा आदिल भाई नफ्स का है। नफ्स चाहता है कि मेरी वाह के लिए ना सब सब बर्बाद कर दिया जाए, मेरी वाह वाह के लिए सब बनावा गिरा दिया जाए। नफ्स चाहता है मेरी वाह वाह के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए मैसेज की तकरीम और तौकीर के लिए ना पूरे के पूरे निजाम को जो है ना जला के राख कर दिया जाए। मेरे नफ्स की तकरीम कैसे हो सकती है अगर मैं आपके साथ मिलके यहाँ पे जो है ना काम करूँ? सही बात है। मेरे नफ्स की कैसे तकरीम और ताजीम हो जाएगी जब मैं उन्हें कबूल कर लूंगा? मेरे नफ्स की कैसे तकरीम और ताजीम हो जाएगी जब मैं मगरिब की भी अच्छी चीजों की तायद कर दूंगा? मेरा नफ्स तो तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने कबूलियत के दरवाजे खोल दिए लोगों को। तो नफ्स को क्योंकि चाहिए कि सारा का सारा समंदर का पानी मैं पी जाऊं, तो इसलिए वो चाहता है कि शुरुआत से वो करो जिसमें मेरे अलावा किसी और का नाम ही ना हो। तो मैंने कहा ना, लोग पहुंच जाते हैं मगर पहुंच नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। बड़ा मसला है ये। अच्छा जी,